हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर फ्रेश ब्लॉग। तो गाइस आज हम जाने वाले हैं अपने बुलेट की पहली सर्विस कराने और उसमें क्या क्या चीज़ लगेगी, क्या क्या होता है, कितने की है, सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से ताकि आपको कोई डिफिकल्टी ना हो। तो चलते हैं फटाफट से गाइस सर्विस सेंटर। हम सर्विस सेंटर और गाइस आज संडे और या गाइस यार भीड़ चेक करो कितनी गाइस। ये है सुभाष नगर में पड़ता है रॉयल फील्ड का सर्विस सेंटर है और गाइस आज ना भीड़ बहुत ज़्यादा हो रखी है। देखो लाइन से उधर तक बुलेट है, बहुत बुलेट है, बहुत भीड़ हो रही है। गाइस यार फिलहाल मैं अभी वेट कर रहा हूँ और अभी मेरी बुलेट की सर्विस हुई नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। और फिलहाल मैं अभी कर रहा हूँ अपना लंच। गाइस ये मैं कर रहा हूँ अपना लंच, ये भल्ले पापड़ी और ये अभी चाय दिख गए हैं, वाटर बॉटल मैंने ले ली थी। और गाइस ये कुछ ये लॉन्च वगैरह ऐसा है यहाँ पे अपना, और यहाँ पे अभी मूवी वगैरह चल रही है शोले। यहाँ से नीचे व्यू आ रहा था जो जो सर्विस वगैरह होती है यहाँ पे। यहाँ से ये बुलेट आ गई अपनी। भाई सर्विस करे, भाई क्या नाम है? राहुल भाई सर्विस करें, अभी क्या कर रहे हो भैया? अभी मैं ऑयल निकालूंगा। अभी यार इसका ऑयल निकाल रहे हैं बुलेट का। गाइस ये कुछ ये इसकी क्वालिटी मतलब कैसी है, ठीक है या खराब है? हर सर्विस में मतलब ऑयल चेंज होता है। अच्छा अच्छा, क्योंकि ये नॉर्मल ऑयल होता है बट अब हम जो डालेंगे वो सेमी सिंथेटिक होता है। ये सक्शन फिल्टर है। सक्शन फिल्टर है, ये किस चीज़ के काम आता है? ये जैसे ऑयल में कोई कचड़ा उचड़ा जाता है तो अच्छा यहीं पे छन जाता है। ये अभी भैया ऑयल फिल्टर खोल रहे हैं इसका, ये निकाल के दूसरा डालेंगे। अच्छा अच्छा, ये निकाल के दूसरा लगाएंगे यहाँ पे। तो गाइस ये हमारा ऑयल फिल्टर दिखाइए इस बार को। तो गाइस ये हमारा ऑयल फिल्टर है, ये चेंज होगा, ये साफ हो रहा है। ये भाई ये सर्विस किट है, ये सर्विस किट किस काम आती है? इसमें ये ऑयल फिल्टर होता है और इसकी और इसकी। तो गाइस ये इसकी सर्विस किट है, ये इसका जो है ऑयल फिल्टर है और इसके अंदर इसकी रिंग भी मिलती है। ये एक बार दिखाना ऑयल फिल्टर, ये इसकी गाइस ये रिंग है ऐसी और ये इसका कुछ ऐसा ऑयल फिल्टर है, ये फिट हो रहा है और ये उसके ऊपर ये सीलेंट लग रहा है और फिर उसके बाद ये यहाँ लग जाएगा इसके अंदर। तो ये भाई इसमें ये ऑयल में डिप होता पहले और फिर ऐसे इंसर्ट हो जाता है इसके अंदर। तो यार अभी फिट हो चुका है इसके अंदर हमारा ये ऑयल फिल्टर। ये भाई इंजन ऑयल डल रहा है यहाँ पे, कम इंजन ऑयल आ गया भाई, ये पूरा इसमें डल चुका है अपना 1.7 लीटर का इंजन ऑयल चुके इसके ऊपर। अब कैप हो गया एकदम टाइट भाई, ये खुल रहा है अब यहाँ पे एयर फिल्टर है यहाँ पे, ये खुल रही है अपनी कैप। ये रहा भाई अपना एयर फिल्टर, दिखाना भैया कैसा है एयर फिल्टर, कंडीशन कैसी है अभी इसकी? अभी तो कंडीशन इसकी सही है क्योंकि अच्छा अभी 500-600 किलोमीटर चली है। अच्छा क्लीन कर रहे भैया, कितने दिनों बाद चेंज होता है, कितने चलती है बुलेट? 5000 किलोमीटर में चेंज हो जाता है भाई। तो अच्छे से भैया क्लीन कर रहे हैं इसको, तो भैया अभी ये साफ हो रहा, इसे साफ कर रहे हैं। गाइस ये अब हो रहा अच्छे से जो है ड्राई क्लीन यहाँ पे। तो यार भैया यहाँ पे अब क्लीनर मार रहे हैं इसके अंदर ताकि एकदम ही क्लीन हो जाए। तो गाइस ये हो चुका हमारा एयर फिल्टर इसके अंदर फिट और अभी जो है इसे कस रहे हैं। तो गाइस अभी फिलहाल जो है हमारी चैन क्लीन हो रही है ये अच्छे से, अभी भी अच्छे से साफ कर रहे हैं ताकि कोई भी डस्ट पार्टिकल ना रहे, इससे इसमें करोजन आ जाता है, जर आ जाता है। अच्छे से साफ हो रही है यहाँ से। क्या भी है ये? लुब्रिकेंट है ये चैन, रॉयल एनफील्ड का सेंशल चैन लुब्रिकेंट है भाई। ये लुब्रिकेंट लग रहा है अपने चैन पे। तो गाइस चैन लुब्रिकेंट का फ़ायदा रही ये रहता है कि इससे हमारी जो है बाइक की चैन एकदम स्मूथ हो जाती है और फर्दर कोई भी करोजन नहीं होता है क्योंकि उसके ऊपर जो है क्लियर फॉर्म हो जाती है जो प्रिवेंट करती है करोजन से, और ये बाइक की चैन है ये और भी ज़्यादा स्मूथ वर्क करती है लुब्रिकेंट लगाने के बाद। तो यार अभी यहाँ पे जो है ये चैन टाइट हो रही है अपने बुलेट की। कितनी ढीली है भाई ये? तो बहुत ढीली है आपकी चैन। ढीली है? अभी से टाइट करेंगे भैया अभी से। गाइस अभी फिलहाल हो रही है हमारी चैन टाइट, इसको 24 नंबर के बोल्ट को खोल के और ये लिंकी का बोल्ट टाइट करते हैं, लूज करते हैं। चैन टाइट हो गया गाइस अपनी अच्छी तरीके से। यार गाइस अभी जो है हमारा ये क्लच एडजस्ट कर रहे हैं भैया,
तो यार जहाँ जहाँ जॉइंट वगैरह है इसकी ये चीज़ जो है वहाँ पे लूप लगा रहे हैं, ट्यूब लगा रहे हैं ताकि वो स्मूथ हो जाए अच्छे से, इसमें भी अच्छे से ताकि कोई दिक्कत वगैरह ना हो उसे खोलने में। तो भाई अभी जो है इसकी ये बैंड पाइप, ये कैप कन्वर्टर, ये सब कुछ टाइट कर रहा, जो जो लूज पड़ चुका है नट बोल्ट्स वगैरह सब टाइट हो रहे हैं। ये भी भाई टाइट हो रहा है, ये लूज हो गया था क्या? ये लूज भाई, ये भी लूज हो जाते हैं, टाइट करा लिया करो भाई। ये यहाँ पे जो है ये आगे की मडगार्ड वगैरह टाइट हो रहा है सब आगे का, और यहाँ पीछे का हर चीज़ चेक करी जाती है आराम से। तो गाइस यार बहुत सारे लोग डाउट आते हैं ना, ये ना ब्लिंक करती रहती है लाइट। ट्रिप बी पे ले जाएंगे, ट्रिप टू होता है या तो ट्रिप बी होगा, ठीक है। उसको फिर प्रेस करके रखना है, आई बटन प्रेस करना है यहाँ पे, और फिर चाबी को बंद कर देना है, ठीक है। फिर दो चार सेकंड के बाद चाबी को फिर ऑन करना है। अच्छा, इसे प्रेस करके ही रखना है, आई बटन को प्रेस करके रखना, और फिर वो अपने आप हट जाएगा, आठ बार बिलिंग करेगा। हट गया गाइस, भाई जी एडजस्ट करवा लिया मैंने इसका जो है हैंडल हल्का सा नीचे की तरफ, ताकि जो है राइड कंफर्टेबल रहे। अभी भैया इसको टाइट कर रहे हैं। तो गाइस ये हमारी बुलेट है, ये नीचे आई है लिफ्ट से अंदर, यहाँ से जाएगी लिफ्ट। गाइस ये हमारी बुलेट घूम रही है यहाँ पे, चारों एक साथ बुलेट घूम रही है, ये हमारी वॉश हो गई। तो गाइस यार ये अंदरी बुलेट हो चुकी है पूरी अच्छी तरीके से क्लीन वॉश हो चुकी है। अभी हमें भैया से साफ कर रहे हैं और पूरी शाइन कर रही है, आगे से देख सकते हो पूरी अच्छी तरीके से शाइन कर रही है। अपनी पहली सर्विस हुई है बाइक की, जो कि अप्रॉक्सली 500 किलोमीटर्स पे हुई है, और इसका सब टोटल निकलता है 14 फोकस कर कैमरा 1454.35 रुपीज लामल्टर प्राइस। जी हमें फर्स्ट सर्विस पे कॉम्प्लीमेंट्री मिली है रॉयल एनफील्ड की तरफ से चेन मेंटेनेंस किट, जैसा कि आप पढ़ सकते हो। मैं एक अनबॉक्सिंग वीडियो बनाऊंगा अलग से, जो कि शॉर्ट्स में आएगी। गाइस फाइनली आ चुका हूँ मैं घर और हो चुका हूँ मैं फ्रेश, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, नीचे कमेंट करके जरूर जाना, और मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन के लिए बाय बाय।